हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरिताज क्रिएटिव बास्केट। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सरिताज क्रिएटिव बास्केट एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं कोई DIY शेयर नहीं करूंगी, बल्कि शेयर करूंगी एक इंस्टेंट पापड़ और चिप्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और एक दिन में बन जाती है। इन सबसे मेरी बचपन की भी काफ़ी यादें हैं, जुड़ी हुई हैं, कि जब होली आने को होती थी तो हम लोग घर में कितने सारे चिप्स और ये पापड़ बना के रखते, डिफरेंट टाइप के चिप्स बना के रखते थे और उनको सालों महीनों हम स्टोर करके रखते थे। आलू के बने हुए जो पापड़ और चिप्स होते हैं और जो अलग टाइप के कुछ जो चिप्स आलू के बनते हैं ना, ये ख़राब नहीं होते हैं, आप महीनों स्टोर करके रखिए। और होली में ही क्या, आप बाद में भी जब भी कोई गेस्ट आपके यहाँ आए या कहीं भी आपको घूमने का मन हो तो इन्हें फ्राई कीजिए और ले जाइए अपने साथ में और इन्जॉय कीजिए। तो आलू के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू ले रही हूँ, करीबन 1 किलो से थोड़ा कम है, और इनको मैंने उबाल के और छील दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रेटर, आप अपने घर में जो भी आपके पास ग्रेटर है कद्दूकस से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इनको हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से इसका जो डो बनेगा वो बहुत सॉफ्ट बनेगा और अच्छा बनेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे नमक है, हल्दी, मिर्ची और कसूरी मेथी और थोड़ा सा अजवाइन। जो अजवाइन और कसूरी मेथी वो थोड़ा थोड़ा हमें रखना है, और आप मसाले हैं आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें, जैसे आपको चटपटा या तीखा खाना आप उसके अकॉर्डिंग उन्हें डालिएगा। और देखिए कितने अच्छे से हमारा ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है, और अब इसके बनाएंगे हम पापड़। डो रेडी करने के बाद हम यहाँ पे एक प्लास्टिक लेंगे, यहाँ पे मैं एक जो आटे की जो थैली होती है ना उसको मैंने काट लिया है और वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं एक ये साड़ी का एक पन्नी ले रही हूँ, ये ट्रांसपेरेंट जो पन्नी होती है इसे ले रही हूँ, और थोड़ा सा ऑयल लूँगी और मतलब अपनी फिंगर्स की टिप में लगाना है ऑयल, और इसकी हमें छोटी छोटी सी ऐसी लोई सी बनानी है, जैसे रोटी के लिए बनाते हैं ऐसी बनानी है, और थोड़ा सा ऑयल हमको इसके ऊपर भी लगाना है। और उसके बाद हमें अपने हाथों की उंगलियों से इसको फ्लैट करना है, अच्छे से फ्लैट करना है। और ये ध्यान रखिएगा जब भी हम इसका डो बनाएं या जब भी हम ग्रेट करें तो इसके बीच में कोई गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए। और ये देखिए हमने एक एक करके इतने सारे हमने बना दिए हैं, और ये हमारे जो आलू के पापड़ हैं ना ये कम्प्लीट हमारे रेडी हो चुके हैं। और अब बस लगाएंगे इनको एक बहुत अच्छी सी धूप, कड़क धूप में सूखने के बाद ये एकदम रेडी हो जाएंगे, और अब हम इनको पलट देंगे और सूखने के बाद ये इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। और अब हम बनाएंगे सबके फेवरेट आलू चिप्स। तो आलू चिप्स बनाने के लिए मैंने 1 किलो से कम करीबन आलू लिया है और उन सबको छील लिया है। छीलने के बाद सारे आलू को एक पानी के भगोने में डाल देंगे, मतलब ठंडे पानी का भगोना लेना है और उसमें डाल देना है। और ये हमने सारे आलू यहाँ पे छील के पानी में भिगो दिए। उसके बाद मैं ले लूँ यहाँ पे ग्रेटर, और ग्रेटर में इनको आलू को फटाफट फटाफट निकालते जाएंगे। जैसे चिप्सेस होते हैं ना मार्केट में जो मिलते हैं, तो हमें उसी साइज़ का इन्हें बनाना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है ना ज़्यादा इनको पतला रखना है। उसके बाद जो ये आलू है, अब जो हमने आलू के लिए वो चिप्स काटे हैं ना, उसके बाद हम उनको धो देंगे अच्छे से। और उसके बाद एक पतीले में कुछ पानी लेंगे, और उसमें मैं करीबन 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक का मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और उसमें हम क्या करेंगे, आलू को डालेंगे और एक बॉयल उसमें अच्छे से आने देंगे, मतलब उनको केवल इतना पकाना है कि वो कच्चे ना रहें, और ज़्यादा भी कुक करेंगे तो वो गल जाएंगे। तो ये हमें थोड़ा सा हाथ से निकाल के चेक करना है कि जो चिप्स हैं वो रेडी हैं कि नहीं है। उसके बाद उन्हें बाहर में एक कपड़ा बिछाएंगे कॉटन का, और एक एक करके डालना है, नहीं तो वो टूट जाएंगे। और अब हमारे चिप्स हो गए हैं बिल्कुल रेडी, और अब इसके बाद मैं इन्हें करूँगी फ्राई। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लूँगी कढ़ाई में, और ऑयल को गर्म करने के बाद
इसमें डाल देंगे अब हम अपने होममेड चिप्स को और कर देंगे इनको अच्छे से फ्राई। फ्राई इतना करना है कि ये जले नहीं, मतलब ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि कागज़ की तरह होते हैं। और नेक्स्ट मैं कर रही हूँ ये आलू के पापड़ को फ्राई जो हमने पहले वाले बनाए थे। और देखिए हो गए हमारे फटाफट से बने हुए आलू के चिप्स और पापड़ तैयार। तो इस होली आप भी ज़रूर इन्हें बनाइए और कोशिश ये कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें बना सकें। ग्रुप में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।